गावा प्रखंड के बादीडीह पंचायत में नामाडीह से बगदेही सड़क पर ग्रामीणों ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए सड़क पर ही उमेश यादव, बुल्लू रविदास, रामेश्वर यादव, दशरथ यादव समेत दर्जनों लोगों ने घर बनाकर सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे ग्रामीणों ने एकजुट होकर अतिक्रमण से मुक्ति के लिए गोलबंद होकर गावा अंचलाधिकारी व पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग किया है। मौके पर उमेश यादव ने कहा कि अगर सभी कोई सड़क पर घर तोड़ देता है तो हम लोग भी अपना घर स्वेच्छा से तोड़ देंगे। तो बगदेडी जो पटना पंचायत में पड़ता है, ये लिंक रोड जो है, ये जोड़ने वाला नावाडीह से होते हुए जो निकला है आपको सांख में, ये रास्ता मुख्य मार्ग है। इस रास्ता से हम लोग अपने याद से करीब हमारे उम्र हो भी हो रहा है 56-57, उससे पूर्व से हम देख रहे हैं कि रास्ता सबों के लिए सार्वजनिक रास्ता था, जिसकी चौड़ाई 20-25 फीट 30 फीट थी। उस समय किसी का घर नहीं था। अब जो घर बनाने लगे लोग, जिसको असुविधा था तो घर बना रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रास्ता का इंक्रोचमेंट जिस तरह से कर रहा है, रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अब आने जाने के लिए पैदल सोचना पड़ रहा है आदमी को। इधर से ये ग्रिड जाने के लिए शॉर्ट रास्ता जो होता है, आदमी को पटना होके घूमना पड़ रहा है। यदि प्रशासन गंभीर रहता तो आज ऐसा नौबत नहीं आता, इस तरह से इंक्रोचमेंट रास्ता का नहीं होता। आज विवश होकर के यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग और नौजवान लोग खड़ा हुआ, क्योंकि ये रास्ता अवरुद्ध हो जाने के बाद आने जाने के लिए कितनी परेशानी होगी उसका कोई विवरण नहीं है, हम लोग के पास अनुमान नहीं है। और इस इंक्रोचमेंट को हम लोग हटाने के लिए पूरे बादीडीह पंचायत के जनता कटिबद्ध हैं। प्रशासन समय रहते हम लोग को सहयोग करती है और साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन अपना काम करे फिर हम लोग अपना काम करेंगे। ये टू बगदेडीह से पटना होते हुए रोड है, वो हम लोग बहुत बचपन में यहाँ मैच वगैरह खेला करते थे, और इतनी चौड़ी रोड था जो कि दो गाड़ी आना जाना हो जाता था, मगर आज कुछ लोग प्रदेश से आकर करके, गांव बाहर से आकर करके दोनों जो इस रोड का अतिक्रमण दोनों साइड घर बना दिए हैं, जो कि हम लोग आना जाना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, एक गाड़ी जाता है तो दूसरा गाड़ी को रोकना पड़ता है कुछ दूरी पे, तो हम लोग पास करते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और अपना अंचल अधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में इनका सहयोग नहीं हुआ तो कल जनता उग्र होकर के आंदोलन करेगी और ये रोड को अतिक्रमण मुक्त करेगी। जो लोग जो शिक्षित दिल्ली शहर में रह के यहाँ आए हैं, वो लोग को ये दशा है, राजधानी में रहे हुए लोगों का, तो यहाँ अनपढ़ आदमी को और गवार आदमी को जो समझाना चाहिए तो और उसको बहकाता है। ये रोड का जिस तरह का स्थिति है आवागमन के लिए, और अभी ये जो रोड पास हुआ है, ये रोड अभी नीमाडीह बिसिन टिकर को जोड़ेगा और पटना पंचायत को बादीडीह पंचायत होते हुए नावाडीह को आवागमन का सुविधा जो बन रहा है, तो बाध्य होकर के लोगों ने अतिक्रमण जो कर दिया है, तो घर में जनता का आवागमन कैसे होगा? अब हर व्यक्ति तो गाड़ी से आने जाने का सुविधा समझता है, इसको प्रशासन संज्ञान में ले और ये अतिक्रमण को मुक्त कराए। स्वदेश वाणी।